You are watching Poonch Live. राहुल इजी बैठ में इजी बैठ फौज का काम है हमारी मुल्क की दिफा करना, लेकिन मैं दिल की उम्मीद घरियों से इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने उन पढ़े लिखे बच्चों को यहां से उठाया और जाके उनका नोएडा में उनको उनके जो कोर्सेज को कंप्लीट करवाए और उसके बाद उनको दिल्ली यानी दिल्ली में उनकी जो जॉब है। मैं कहता हूँ कि वो बड़े खुश नसीब बच्चे हैं कि जो दिल्ली चले गए हैं। कहाँ है गुलपर, कहाँ है चंडक, कहाँ है बलोई और कहाँ है दिल्ली? क्योंकि आप जब दिल्ली में जाओगे आपका सारा जो माहौल है सोसाइटी है वो चेंज हो जाएगी और जिस होटल में आप काम करोगे वहां पर आपको सिर्फ वीवीआईपी और वीआईपी लोग मिलेंगे, क्योंकि और आपका जो उठना बैठना रहना सहना खाना पीना आप देखेंगे कि आप कहां से कहां चलेंगे। मेरा नाम अमजद चौधरी है, मैं गाँव बल्ही का रहने वाला हूँ। हमें यहाँ से आर्मी के थ्रू एक कोर्स करवाया गया था जिसका नाम है फूड एंड सर्विस, और वो यहाँ से हमें लेके गए थे और वहाँ पे हमारे जम्मू नगरोटा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में करवाया गया था। 3 मंथली का कोर्स था और ये हमारा अब पूरा हो चुका है और हमें यहाँ से अपॉइंटमेंट किया गया है दिल्ली बाबरी क्यूब में, तो वहाँ पे हमारा अब जॉब लग चुका है और हमें अब फर्स्ट को जाके ज्वाइनिंग डालनी है और ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है आर्मी के थ्रू, इन्होंने करवाया गया है। हमारा एक भी गाड़ी शाड़ी का सब किराया इनका, खाने रहने से सब आर्मी वालों ने किया है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी वालों का कि ऐसे कोर्स हमें एक बिछड़े हुए इलाके से लेकर गए और हमारी जॉब लगवाई। और बाकी भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ ऐसे कोर्स यूथ की नज़रिए आते हैं जो भी आर्मी के थ्रू करवाए जा रहे हैं, ऐसे कोर्स जो है करने चाहिए और एक बेरोज़गार से रोज़गार तक हमें जाना चाहिए। जय हिंद। मेरा नाम यश दत्ता है और हमें फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए कोर्स के लिए लेके गए थे आर्मी, और हमारा अब कोर्स कंप्लीट हो गया है। हमें आर्मी वालों ने प्लेसमेंट भी दिला दी है दिल्ली में और हमारा जॉब लग गई वहाँ पे दिल्ली में, और 1 अप्रैल को हमारी वहाँ पे ज्वाइनिंग है तो 10:30 बजे, और हम आर्मी का बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम बोलते हैं कि एक ऐसे कोर्सेस और भी आते रहें और भी बच्चे यहाँ पे जाते रहें और जो घर में ऐसे ही बैठे हैं उनको भी मतलब जॉब का टाइम मिले जाएगा, और आर्मी का हम बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम असद नुमानी, चेयरमैन सरी मुस्तान ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन। आज यहाँ फंक्शन जो इंडियन आर्मी की जानिब से रखा गया था उसमें शमूलियत करके बहुत ही अच्छा लगा। चंद माह कबल इन्होंने एक फंक्शन किया था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था और मुझे खुशी ये हो रही है कि हमारी फाउंडेशन ने भी कुछ स्टूडेंट्स स्पॉन्सर किए थे, आज उनकी नौकरियाँ लग गई हैं इंडियन आर्मी के थ्रू। इसके लिए मैं अपनी फाउंडेशन की जानिब से भी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने एक पुल का काम किया, और बेरोज़गार नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह के मौके जो आते हैं उनको हासिल करें और रबते में रहें। और जैसे इन बच्चों की दिल्ली जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े होटल जिसका सुना है मैंने कि 150 होटल्स पूरी ऑल इंडिया में काम करते हैं, ऐसी जगह पर ऐसी मैनेजमेंट ऐसी जगह पर जाकर इनकी सिलेक्शन हुई, इनकी नौकरियां लग गई हैं, तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का धन्यवाद करना चाहता हूं और इंडियन आर्मी से मज़ीद गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के मज़ीद कोर्सेज चलाए जाएँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं थी, अब इसके बाद ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी और नौजवान जो है वो बढ़ चढ़ के सामने आएंगे। इंडियन आर्मी का बेहद शुक्रिया।